What's up guys? आज हम देखने वाले हैं कैन माधवी लता एंड ओवेसीज करियर इलेक्शन अपडेट। दशाम शर्मा शो चैनल से वीडियो है और वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। मुझे इनके एपिसोड देखने में बड़ा मजा आता है। करते हैं शुरू। 1, 2, 3, गो। निजाम ने यह भी कोशिश की कि हैदराबाद स्टेट की जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी उनको दबाकर हैदराबाद के ऊपर उर्दू को इम्पोज किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटेड गोल ये था कि वो भारत के साथ इंटीग्रेट होके नहीं रहना चाहते और भारत में एक अशराफ डोमिनियन क्रिएट करना चाहते हैं। इन दोनों किताबों ने बहुत डिटेल में दिखाया था कि किस तरह से अशराफ जो है वो 85-90% पसमांदा मुसलमानों के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बेनिफिट्स जो मिलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को वो ज्यादातर अशराफ मुस्लिम ही खा जाते हैं। MIM जो थी वो सिर्फ इन अपर कास्ट अशराफ के हितों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई, ना कि भारत के सारे मुसलमानों का। भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने इंडिया की मिलिट्री को हैदराबाद में भेजा। युद्ध तो होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरदार पटेल की स्ट्रेटेजी से नेहरू जी एक्चुअली खुश नहीं थे। सोशल एक्टिविस्ट इलियास शमसी ने कहा है कि हैदराबाद में एजुकेशन की बहुत ही खराब सिचुएशन, और ऐसे समय पर आती है माधवी लता। और ना सिर्फ वो हिंदुओं के बारे में चिंतित है, लेकिन वो महिलाओं के सोशल वेलफेयर में भी बहुत इन्वॉल्व है। आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, आपने पॉलिटिक्स में भी शायद इस नेपोटिज्म को देखा होगा। यस, एक ऐसे ही नेपोटिज्म के रिजल्ट है जो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेठी को अपनी पार्टी से जोड़ नहीं पा रहे। लेकिन नेपोटिज्म का एक काफी फेमस एग्जाम्पल शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हैदराबाद में एग्जिस्ट करता है, और वो है ओवेसी फैमिली। ओवेसी और उनके परिवार ने ओल्ड हैदराबाद की जो सीट है उसको ऑलमोस्ट 50 साल से कंट्रोल करके रखा हुआ है, और इस पावर की वजह से उन्होंने हैदराबाद में एक काफी टॉक्सिक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप की है, और इस आइडियोलॉजी को अब वो पूरे देश में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन हैज बीन टारगेटेड बाय वर्कर्स फ्रॉम असादुद्दीन ओवेसी पार्टी एट औरंगाबाद एयरपोर्ट। हम अपनी औरंगाबाद की सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। लेकिन आपको याद होगा हमने पिछले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि बीजेपी जो है वो साउथ में कई बड़े बड़े लीडर्स में इन्वेस्ट कर रही है। तमिलनाडु में जैसे अन्नामलाई को उतारा गया है, केरला में अनिल एंटनी जैसे लीडर्स को उतारा गया है, उसी तरह से तेलंगाना पर भी बीजेपी का काफी बड़ा फोकस है। वहाँ पर ओवेसी को हराने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा है माधवी लता को। प्लीज वेलकम हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता। शी इज अ डांसर, शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, शी इज अ सोशल वर्कर, एंड नाउ शी इज गोइंग टू गो हेड ऑन अगेंस्ट असदुद्दीन ओवैसी इन द ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद। क्या माधवी लता एक इम्पॉसिबल काम कर सकती है? जैसे कि इंसेप्शन मूवी को पहली बार देख के उसकी पूरी की पूरी स्टोरी समझ जाना। सही बोला, मस्त जोक मारा। या फिर हैदराबाद से ओवेसी को हराना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है, और अगर ये होता है तो किस तरह से साउथ के पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए चेंज कर दिया जाएगा। शाम शर्मा, हम और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। अब मुझे आज सेक्युलरिज्म का CEO या फिर विन डीजल का छोटा भाई विन खासले या फिर पानिका बाजार का स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी बुला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 50 सालों से ओवेसी के परिवार ने हैदराबाद की सीट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि यार हैदराबाद में ओवेसी परिवार की ऐसी मोनोपोली कैसे बनी। इस फैक्ट की बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, और उसको समझने के लिए हमें हैदराबाद की हिस्ट्री को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हैदराबाद पर अंग्रेजों के समय में निजाम उस्मान अली खान राज करते थे। हैदराबाद पर एक इस्लामिक रूलर था, जबकि हैदराबाद की मेजॉरिटी यानी 85% पॉपुलेशन हिंदू थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हैदराबाद की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी उसमें 90% मुस्लिम, और हैदराबाद की पुलिस में भी 95% मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया था। इसका गोल ये था कि जो निजाम था वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके जो 85% हिंदूज हैं उनको डरा कर, धमका कर और बुली करके कंट्रोल में रखे। नॉन मुस्लिम्स के बारे में निजाम के क्या ख्याल थे वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सुन के नाराए तकबीर, जलजला आ ही गया तारे जुन्नार पर, जिसका अर्थ है
नाराय तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा आ जाता है। निजाम ने यह भी कोशिश की कि हैदराबाद स्टेट की जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी उनको दबाकर हैदराबाद के ऊपर उर्दू को इम्पोज किया जाए। इसी समय पर MIM नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसे 1927 में क्रिएट किया जाता है निजाम के सपोर्ट से। इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटेड गोल ये था कि वो भारत के साथ इंटीग्रेट होके नहीं रहना चाहते और भारत में एक अशराफ डोमिनियन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप जानते नहीं हैं तो जिस तरह हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का इशू है, उसी तरह से इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की मुस्लिम सोसाइटी में भी कास्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अशराफ जो ये नाम है ये उन मुस्लिम्स को दिया जाता है जिन्हें अपर कास्ट माना जाता है मुस्लिम सोसाइटी में, इन्हें सवर्ण मुस्लिम भी बोला जाता है। ये भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के अराउंड 10-15% है और ये वो लोग हैं जो भारत में कन्वर्टेड अपर कास्ट है या फिर घुसपैठियों के डिसेंडेंट्स हैं। इनके सरनेम अक्सर सैयद, शेख, मुगल, पठान जैसे होते हैं। इसी तरह से एक दूसरी कास्ट है इंडियन मुस्लिम्स की जिन्हें पसमंदा कहा जाता है, जो भारतीय मुस्लिम्स के 85-90% पॉपुलेशन से आते हैं। इनके कॉमन सरनेम्स है रहीन, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, अलवी, सलमानी, घोसी। इनफैक्ट 2001 में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब लिखी गई थी अली अनवर की, मसावत की जंग, और 2007 में मसूद आलम फलही की हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। इन दोनों किताबों ने बहुत डिटेल में दिखाया था कि किस तरह से अशराफ जो है वो 85-90% पसमंदा मुसलमानों के खिलाफ काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उन्होंने दिखाया था कि जो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स भी मिलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, वो ज्यादातर अशराफ मुस्लिम ही खा जाते हैं और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जमात उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इदारे शरिया, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन और अलग अलग जो इस्लामिक सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर्स है उसमें अशराफ जो है मैसिवली ओवर रिप्रेजेंटेड। तो MIM जो थी वो सिर्फ इन अपर कास्ट अशराफ के हितों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई, ना कि भारत के सारे मुसलमानों का। जब भारत को आजादी मिलने वाली थी उसी के आसपास MIM की लीडरशिप कासिम रिजवी नाम के एक आदमी के हाथ में जाती है। कासिम रिजवी ने MIM का लीडर बनने के बाद पहला काम ये किया कि हैदराबाद में मुस्लिम्स की एक पैरामिलिट्री फोर्स तैयार की जिनका नाम उन्होंने रजाकर रखा। कासिम रिजवी ने अपने भाषण में रजाकर्स के गोल्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया था। हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य है, इस अधिराज्य में यानी भारत अधिराज्य में 4,50,00,000 मुसलमान हैं जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ना है, आगे हिंदुओं का उपहास करते हुए कासिम रिजवी कहता है। हिंदू जो कि काफिर हैं, पत्थर और बंदरों की पूजा करते हैं, धर्म के नाम पर गौमूत्र और गोबर खाते हैं और हर तरह से असभ्य हैं, वे हम पर राज्य करना चाहते हैं लेकिन वे शासन करने में सक्षम नहीं है। हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही कम है लेकिन हमारे निजाम ने यहाँ 200 साल राज किया है। हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे उस समय पर MIM ने इनको काफी सपोर्ट भी दिया था और जब पार्टीशन हो गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और सभी प्रिंसली स्टेट्स को दो ऑप्शंस दिए गए कि आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन करिए या भारत ज्वाइन करिए, तो हैदराबाद स्टेट भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। उल्टा उन्होंने कोशिश की कि वो इंडिपेंडेंट एक देश बनाए और इस गोल को पाने के लिए उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भारी अटैक शुरू कर दिया। रिकॉर्डेड डेटा के हिसाब से रजाकरों ने 1431 गांव पर हमला किया, ऑलमोस्ट 1000 हिंदुओं को मारा, 1000 से ऊपर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए और अराउंड 10,30,00,000 रुपए और संपत्ति भी लूट ली। इसके रिस्पांस में भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया जहां पर उन्होंने इंडिया की मिलिट्री को हैदराबाद में भेजा। इंडियन मिलिट्री ने रजाकरों को हराया और हैदराबाद को परमानेंटली भारत से जोड़ा। संधि न समर्पण युद्ध तो होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरदार पटेल की स्ट्रेटेजी से नेहरू जी एक्चुअली खुश नहीं थे। वो एक स्वतंत्र रियासत है, आप उस पर अचानक हमला करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नेहरू जी लगता है एक ही चीज से खुश होते थे। रजाकरों की हार के बाद कासिम रिजवी को 1948 से 1957 में जेल में रखा गया जिसके बाद उनको रिलीज किया गया लेकिन एक ही शर्त पे कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन कासिम रिजवी ने इंडिया छोड़ने से पहले MIM की लीडरशिप एक लॉयर को दी जिस लॉयर ने MIM की कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया और MIM के सामने AI जोड़ दिया, यानी AIMIM। ये लॉयर थे अब्दुल वहीद ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के
दादाजी थे। ये नाम बदलने के बाद MIM की हिस्ट्री को पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया गया और AIMIM को हैदराबाद में काफी पॉलिटिकल सक्सेस भी मिली। अब देखिए, नाम बदलने से अगर इतनी पॉलिटिकल सक्सेस मिल रही है तो ये काम राहुल जी को भी ट्राई करना चाहिए। कुछ रवन घोषाल या ऐसा कुछ नाम ट्राई करके देखिए, हो सकता है रायबरेली में कुछ भला हो जाए। बात तो सही है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में ओवैसी फैमिली का बेसिकली हैदराबाद में दबदबा रहा है। ओवैसी के पिताजी सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार हैदराबाद से इलेक्शन जीते हैं और ओवैसी ऑलरेडी 4 बार हैदराबाद से इलेक्शन जीत चुके हैं। और क्योंकि हैदराबाद में 59% वोटिंग पॉपुलेशन मुस्लिम है तो ओवैसी फैमिली को बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है वहाँ पर, क्योंकि उनको एक ब्लॉक में वोट मिलते हैं। और इसी वजह से ऑपोजिशन लीडर्स का ये क्लेम है कि उनको क्योंकि इतनी आराम से वोट मिल जाते हैं इसलिए उन्होंने हैदराबाद की डेवलपमेंट पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने भी यही बात कही है। हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली औरतों के खिलाफ काफी क्राइम्स हुए हैं। कई माइनर लड़कियों को हैदराबाद से किडनैप किया गया है। माइनर लड़कियों की शादी अरब देशों में भी करा दी जाती है। ये इतनी भयानक बात है, लेकिन क्योंकि AIMIM मोदी के खिलाफ है इसलिए हमारे दुग्गा मसीहा साहब जैसे जो जर्नलिस्ट है वो इस न्यूज को भी देखकर बोल देंगे कि भैया देखिए ये बीजेपी से कितने अच्छे हैं, इन्होंने कितना बढ़िया एक्सपोर्ट प्रोग्राम डेवलप किया है भारत की ग्रोथ के लिए। हमारे ऐसा ही होता है। इन्होंने हैदराबाद में अलग शरिया कोर्ट बनाने की भी बात की है और इनके परिवार वालों ने आपने देखा ही होगा शायद पहले कि किस तरह के भयानक स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन्होंने पुलिस को धमकी दी है। चक्कर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया, अभी भी बहुत हिम्मत है। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। उन्होंने पूरे भारत को धमकी दी है, हिंदुओं को धमकी दी। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन ताकत है। पार्टी के MLA वारिस पठान ने ऐसी चीजें बोली। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। और ओपिनियंस देखिए। पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें, बल्दिया और दीगर महकमों की जानिब से अपने काम बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाए, बाद में वही गफलत और लापरवाही बढ़ती जाती है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग इस गंदे पानी में से होते हुए मसाजिद जा रहे हैं। ऐसे हालात काला पत्थर रमनसपुरे का हाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोशल एक्टिविस्ट इलियास शमसी ने कहा है कि हैदराबाद में एजुकेशन की बहुत ही खराब सिचुएशन, 2000 साल के बाद से गवर्नमेंट स्कूल हैदराबाद में कम ही हुए हैं और जहां स्कूल्स हैं वहां क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी। हैदराबाद में जब लड़कियां SSC एग्जाम अपने कंप्लीट करती हैं तो उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के लिए। याकूतपुरा कंस्टिट्यूएंसी में तो एक भी ढंग का गवर्नमेंट स्कूल नहीं, बहादुरपुरा कंस्टिट्यूएंसी में तो दशकों से एक भी जूनियर कॉलेज सैंक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे पुराने शहर के स्कूल्स को लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं ओल्ड सिटी में जो कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग 33% ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीजेस तेलंगाना में पाई जाती है, उसमें से 50% ओल्ड सिटी में है। तो चाहे क्रॉनिक डिजीज हो, एजुकेशन हो, हाइजीन हो, हेल्थ केयर हो, इन सब में हैदराबाद की हालत काफी खराब है। तो कई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस को अगर आप देखें, पैरामीटर्स को अगर आप देखें, तो क्लियरली हैदराबाद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बस इतना करना है कि मोदी के डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ना है और बेसिकली मीडिया आपको नेल्सन मैंडेला और स्टीव जॉब्स का मिक्सचर करार दे देगी। एंटी BJP होना टाइड डिटर्जेंट से भी बेहतर व्हाइट वॉशिंग कर देता है आपके लिए। बात तो सही है। और अगर आप AIMIM को देखें तो काफी समय से वो तेलंगाना से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना फुटप्रिंट बिहार में भी बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन में सीट जीती है, महाराष्ट्र में भी, अमरावती में भी उन्होंने कई सीट जीती है, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और राजस्थान और प्रयागराज जैसी जगहों पर भी उन्होंने कंपीट करना शुरू किया है। और ऐसे समय पर आती है माधवी लता। माधवी लता हैदराबाद के सोशियो पॉलिटिकल सीन में काफी समय से इन्वॉल्व है। उनका हिंदुत्व पर काफी स्ट्रांग फोकस रहा है, इंडियन ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने पर काफी स्ट्रांग फोकस रहा है। उन्होंने हैदराबाद सिटी में कई गौशालाएं भी बनाई है और न सिर्फ वो हिंदुओं के बारे में चिंतित है लेकिन वो महिलाओं के सोशल वेलफेयर में भी बहुत इन्वॉल्व है, न सिर्फ हिंदू महिलाओं की बल्कि मुस्लिम महिलाओं की। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है इसकी काफी अवेयरनेस भी फैलाई। मुस्लिम औरतों में जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस के लिए उन्होंने बहुत कमिटमेंट भी दिखाई है। इसके अलावा उन्होंने डेस्टिट्यूट मुस्लिम वुमेन के लिए एक फंड भी बनाया है और फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और संस्कृति जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किए हैं। 2019 में जब ट्रिपल तलाक को इलीगलाइज किया गया था
उसके लिए हैदराबाद में काफी अवेयरनेस फैलाई थी माधवी लता ने मुस्लिम औरतों के बीच। इन्होंने कई मुस्लिम वुमेन की एडवोकेसी ग्रुप के साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को खत्म करने की कोशिश भी की है, और ये काम वो हैदराबाद की ओल्ड सिटी में कर रही हैं, जहां वो डायरेक्टली ओबेसी से टक्कर ले रही हैं। विरिंची हॉस्पिटल्स के चेयरपर्सन और लोकपुत्र चैरिटेबल ट्रस्ट और लता मां फाउंडेशन के फाउंडर के रूप में माधवी लता ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन्होंने हैदराबाद में लैक ऑफ डेवलपमेंट की काफी आवाज भी उठाई है। तो जब माधवी लता के बारे में हम थोड़ा सा जान गए हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो बैटल होने वाला है माधवी लता और ओवैसी के बीच में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपने देखा है कि AIMIM हैदराबाद में खेल रही है, ये काफी डेंजरस है, क्योंकि अब इसको पूरे देश में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह के बयान AIMIM के लीडर्स दे रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लगता है कि एक और मुस्लिम लीग भारत में डेवलप हो सकती है। आपने देखा है कि AIMIM ने राम मंदिर को अपोज किया है। मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। इन्होंने ज्ञान व्यापी को हिंदुओं को वापस देने को अपोज किया है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी मस्जिद। इन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को एक शहीद भी बोल दिया उन्होंने। भाई, जब बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा हो सकता है, तो मुख्तार अंसारी शहीद तो हो ही सकता है। इन्होंने कश्मीर फाइल्स को अपोज किया है। मेरी नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफरकेशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है स्टेट टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर की आवाम को वादा किया था। इन्होंने केरला फाइल्स जैसी फिल्म को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बोलकर टाल दिया है। अब इमेजिन कीजिए कि AIMIM जैसी पार्टी को, इस तरह की पार्टी को अगर भारत के अलग अलग पॉकेट्स में पावर मिल जाए, तो ये तो एक तरह से मुस्लिम लीग बन ही जाएगी। और आपको याद है कि पिछली बार जब मुस्लिम लीग भारत में बहुत ताकतवर हुई थी, तो क्या हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से कटकर अलग हो गए। उसके ऊपर से याद रखिए कि ये एक अशराफ अपर कास्ट की पार्टी है। ये कहते तो है कि ये सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज भी एक एनालिसिस के हिसाब से 7500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं फर्स्ट से 14th लोकसभा के बीच में। उसमें से 400 मुस्लिम रहे हैं और उसमें से 340 अशराफ अपर कास्ट से रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ 10-15% है इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन के, लेकिन सिर्फ 60 पसमंदा कम्युनिटी से आए हैं। AIMIM ने कभी भी इस डिस्पैरिटी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, या क्या उन्होंने कभी भी इनको बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है? रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले राहुल बाबा भी इस बात को देखकर ऐसे फेविकोल पी लेते हैं जैसे कि उनको फेविकोल स्पॉन्सर कर रहा हो। और इसलिए यहाँ पर माधवी लता के पास एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ओवैसी को उनकी होम टर्फ पर ही हरा देती है, तो AIMIM की जो पॉसिबिलिटी है एक नेशनल पार्टी बनने की, अलग अलग स्टेट्स में फैलने की, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और बीजेपी की साउथ में कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना में भी एक काफी ग्रैंड एंट्री होती है। इसीलिए तो माधवी लता को बीजेपी से इतना सॉलिड सपोर्ट भी मिल रहा है। अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ने माधवी लता के लिए काफी सपोर्ट भी दिया है, काफी इंटरव्यूज भी दिए। 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुन कर भेजे। अब ऑब्वियसली आप सवाल सोच रहे होंगे कि शाम यार, ये क्या पॉसिबल है भी? देखिए, काम तो मेरे हिसाब से नियरली इम्पॉसिबल है। जैसे नेहा कक्कड़ का पूरा गाना स्टार्ट टू फिनिश सुन लेना। हैदराबाद में 59% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो हमेशा काफी समय से आपने देखा है ब्लॉक में वोट करते हुए आ रहे हैं। 2009 में हैदराबाद के मेयोरल इलेक्शंस में बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें आई थी। वहीं 2016 के हैदराबाद के इलेक्शंस में लेकिन बीजेपी को 150 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी, और इसमें ओवैसी ने 44 सीट जीती थी और TRS ने 99 वोट्स जीते थे। लेकिन 2020 में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। बीजेपी ने फॉर सम रीजन इतने छोटे से इलेक्शन में काफी रिसोर्सेज और एनर्जी खर्च किए थे। योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े लीडर्स आए थे यहाँ पर कैंपेन करने के लिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहा कि बीजेपी ने AIMIM को भी पीछे छोड़कर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी हैदराबाद के इलेक्शंस में। ट्रेंड्स देखकर हो सकता है कि भले ही एक टास्क इम्पॉसिबल हो, लेकिन हमने पॉलिटिक्स में देखा है कि इम्पॉसिबल जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। 2009 में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते थे कि बीजेपी एक फुल मेजोरिटी से 2014 में गवर्नमेंट बनाए। लेकिन अगर ये हो जाता है कि माधवी लता किसी तरह से ओवैसी को हरा देती है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए क्या हो सकता है। ऑब्वियसली
नेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाएगी कि हैदराबाद में एक हिंदू औरत ने ओवैसी परिवार को हरा दिया। तेलंगाना में हिंदुत्व की एंट्री काफी जोरों शोरों से होगी। बीजेपी ने ऑलरेडी कर्नाटका में एक प्रेजेंस बनाई हुई है और केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी काफी अग्रेसिवली बीजेपी कंटेस्ट कर रही है। इससे AIMIM, CPIM, मुस्लिम लीग, BRS, YSR, DMK जैसी पार्टीज को और कांग्रेस को भी ये शायद मैसेज मिलेगा कि मुस्लिम अपीजमेंट और कास्ट के बेस पर पोलराइजेशन जो इतने सालों से ये करते आ रहे हैं वो शायद अब नहीं चले। नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो ये बातें करते हुए आ रहे हैं सारी पार्टीज, वो शायद अब नहीं चले। और ये अच्छी बात है कि साउथ इंडिया में अगर हिंदुत्व की एंट्री होती है, क्योंकि याद रखिए कि साउथ इंडिया ही है जिसने भारत के कल्चर, मंदिर, धर्म और लिटरेचर को इतने सालों तक बचा कर रखा, जब 500 सालों तक नॉर्थ इंडिया में इसको पूरी तरह से कुचल दिया गया था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या जरा भी चांस है माधवी लता जैसे पॉलिटिशियन का हैदराबाद में ओवैसी को हराना? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा नया तहखाना पसंद आया हो तो कमेंट से मुझे ये भी जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। इलेक्शन का टाइम है, जो जिनकी वोटिंग राइट्स हैं तो जाके जरूर वोट डालें। और इम्पॉसिबल तो देखो मोदी जी का आना भी था एक टाइम पर, है ना, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल तभी होता है धीरे धीरे जब लोग जागरूक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले एजुकेशन मैटर करती है। एजुकेशन से क्या होता है, आप में एक समझ आती है कि मैं अगर पढ़ लिख रहा हूं तो मुझे अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, मेरा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, मेरे लीडर्स या मेरे को मेरे एग्जाम्पल, आप इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो किस तरीके के हों, कि मनोरंजन वाइज मैं इनको देखूंगा, एजुकेशन वाइज मैं इनको देखूंगा, बातें मुझे इन लीडर्स की सही लगती है। तो अगर हम भाषण सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कि इंडिया को डिवाइड करने वाले भाषण आते हैं हमेशा ओवैसी के, जब भी हमने देखे हैं भड़काऊ भाषण इस तरह, और ये भाषण नहीं चलते। योगी जी का क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से रहोगे तो बिल्कुल है, लेकिन भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करोगे तो भैया टिकट भी करा देंगे, किराया भी दे देंगे, लेकिन दोबारा वापस मत आना। तो ये चीज है, लेकिन यहां पर इस तरीके दिखाया जाता है कि कब्जा सा करने वाली बात आ जाती है देश में, जबकि आप देखोगे कि बीजेपी के लीडर कभी नहीं। और मोदी जी के मुंह से आपने बहुत रेयरली हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अब जाके उन्होंने कुछ बोला था कि मैं इस चीज में करता नहीं, मैं पॉलिटिक्स कर, मैं राजनीति में आया हूं देश का उद्धार करने के लिए, और देश उद्धार कर रहा है। हालत देख लेना अभी जो दिखाई, किस तरीके से कूड़ा पड़ा है, किस तरीके से वो चीज डेवलपमेंट। और अब वो टाइम आ चुका कि अब ना आप कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे, आप वोट से पहले, आप सबसे पहले आप डेवलपमेंट। आज जो देश तरक्की कर रहा है ना, उसने कल एक मुस्लिम का इंटरव्यू देख रही थी मैं, शायद उस पे उसने बोला था ना कि ये चाहते ही नहीं कि कोई अगला, मतलब पढ़ लिख के कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बने, ये चाहते हैं कि नहीं अपना वोट बैंक बनता रहे, कसाब जैसा बन जाए, वो रेडी है ये, लेकिन चाहते नहीं वो पढ़ लिख के अगला एपीजे अब्दुल कलाम। कश्मीर फाइल्स को खुले हम डिनाई करते हैं, राम मंदिर को खुले हम डिनाई करते हैं, ये तो वो दिखाते हैं कि हम कोई मस्जिद नहीं देंगे, चाहे वो प्रूव भी हो जाएगा ना कि नहीं ये जबरदस्ती वहां पर बनाई गई है उस तरीके से भी, लेकिन ये कभी मानेंगे नहीं, इनका बस ये हमारे कब्जे में, तो हमारे कब्जे में वक्फ बोर्ड कितना कुछ देखा गया है, कितनी चीजों के ऊपर भी। लेकिन भाई अब की बार अगर मोदी सरकार आ जाती है, मुझे लगता है काफी कठोर डिसीजन भी लिए जाएंगे, और मैं चाहता हूँ आए, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पर किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक कास्ट का हक नहीं हो सकता। यहाँ मिलजुल कर देश की तरक्की, इंटरनेशनल लेवल हो या इंडिया का लेवल हो, रोजगार में भी ना, जब आपको रोजगार मिलता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू मुस्लिम। उसने कल एक बंदे ने जिसका हमने इंटरव्यू देखा था कि आप नौकरी की, हाँ मैं आपसे पूछ कि मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, मुस्लिम था वो, कि आपसे पूछा, नहीं नहीं वो था, उसको फ्री इलाज मिल रहा था उसके फादर को 5 लाख के, कह रहा आयुष्मान कुछ ऐसे था, तब उससे पूछा गया कि जब आप इलाज के लिए, आपसे पूछा गया था कि आप किस कास्ट या किस रिलीजन से हो, उसने बोला नहीं, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया सबने। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा, बाकी वोट ही कीमत होती है एक, और वो कीमत होती है कि आप सोच समझ के दें उसको, तो सोच के दें, देश के भविष्य के लिए दें, अपने भविष्य के लिए दें, ना कि एक झुंड में कि एक वो वैसी वाली भावना लेकर, ठीक है, क्योंकि आप लीडर्स की आपको बातें और उनका काम देखना चाहिए कि देश के हित में, राज्य के हित में कितना हो रहा है। बाकी मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।